तो मेरे घर वालों ने मुझे क्यों बोला बिहारी, तो आज मैं बताऊंगी इस वीडियो में, तो बने रहना आप मेरे साथ। हेलो जी, राम राम, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है निकांतिल फैमिली व्लॉग्स में। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में, तो अभी करते हैं खाना बनाने का काम। तो ये देखिए, आज मैं बनाऊंगी स्पेशल पुलाव, मटर डाल के और आलू डाल के, प्याज। सर्दियों में तो ना मटर वाले जो पुलाव होते हैं, चावल होते हैं ना, जिनको बोलते हैं नमकीन चावल, तो बहुत अच्छे लगते हैं सही में। फिर उनको खाओ, दही के साथ खा लो, या फिर लस्सी के साथ खा लो, तो घी के साथ खा लो, घी डाल के भी बहुत अच्छे लगते हैं सच में। तो बताना भाई कमेंट करके किस किस को अच्छे लगते हैं, ठीक है? तो मैं कर लेती हूँ तैयारी। मटर छीलनी है, गाजर छीलनी है, टमाटर छीलने हैं, आलू छीलने हैं। तो भाई अब चावल खाने हैं तो ये काम तो करने पड़ेंगे ना, तो इसलिए तो मैं कर लेती हूँ पहले तैयारी। फिर बने रहना कि मैं नमकीन चावल कैसे बनाती हूँ, ठीक है? आप सबके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे को तो ना बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मेरी 3-4 दिन बाद मेरी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि हाँ रेसिपी है नमकीन चावल पुलाव की। तो ठीक है, तो सर्दियों में तो वैसे भी गर्म लगते हैं बहुत ही ज़्यादा, गर्म गर्म चावल बहुत अच्छे लगते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो इस वजह से हमारे घर पे भी मेरी जो भतीजी है, मेरी भाभी है, वो भी, उनको भी चावल बहुत पसंद है, तो वो भी नमकीन चावल खाना बहुत पसंद करते हैं, तो बहुत बनते हैं हमारे घर पे भी। भाई हम तो बिहारी बने हुए हैं पूरे, चाहे कितने ही नमकीन चावल खिला लो, या फिर राजमा चावल, छोले चावल, दाल चावल, बहुत अच्छे लगते हैं। तो वही बात है, ये भी बोलते हैं कि तू बिहारियों से कम नहीं है, बिहारी खाते हैं इतने चावल तो तू लगी रहती है, हर तीसरे चौथे दिन चावल बना के रख देती है हमारे सामने, फिर इनको भी खाने पड़ते हैं मेरी उससे। तो इसलिए बातें बहुत हो चुकी हैं, अभी कर लेते हैं काम। बहुत टाइम हो चुका है, भूख लग चुकी है, अब तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो बने रहना आप मेरी वीडियो में मेरे साथ, ठीक है? पूरा दिन कैसे जाएगा देखते रहना आप। तो भी मैं ये ले आई थी अंदर अंदर बैठ के, आराम से बेड पे बैठ के इनको छीलूँगी, काटूँगी, और जो मटर है उनको निकालने में टाइम तो लगता ही है, तो इसलिए, और गाजर भी डालूँगी, एक ही गाजर थी वैसे, तो गाजर भी डालूँगी, अच्छी लगती है। और भाई हाँ, जो मेरे नए चैनल पे नया आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, ठीक है? और बेल आइकन साथ में दबाना आप लोग, ठीक है? और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना आप। तो मैं यहाँ पे छील लेती हूँ, आलू है, मटर है और प्याज है, क्योंकि वहाँ रसोई में तो खड़े खड़े बहुत टाइम लग जाता और इतनी देर तक खड़ा नहीं रहा जाता मुझसे, तो इसलिए आराम से बैठ के यहाँ पे बेड पे और इनको छील लूँगी, काट लूँगी। काफ़ी टाइम लग जाता है इनको छीलने में और काटने में, तो इस वजह से तब तक मेरे जो चावल है वो भी मैंने भिगो के रख दिए हैं, तो तब तक वो भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मैं पहले ही भिगो के रख देती हूँ थोड़ा सा, ताकि वो थोड़े थोड़े नरम हो जाएं और फिर अच्छे से बनते हैं खिले खिले चावल। तो भाई ऐसे ही है, सारा दिन काम लगे रहते हैं, और फिर बच्चे गए हुए हैं स्कूल में, फिर उनको लेके आऊँगी, तब तक खाना वाना बन जाएगा मेरा, नमकीन चावल बनाने हैं तो वो भी बन के तैयार हो जाएंगे, और बच्चे भी आज कल से उनके पेपर स्टार्ट हैं, तो इस वजह से फिर आज उनको ले आऊँगी, 2 बजे ही होएगी आज तो उनकी छुट्टी, लेकिन कल से फिर वो 12 बजे आया करेंगे घर पे, तो इस वजह से अब तो बस ऐसे ही बिजी शेड्यूल चलेगा, क्योंकि उनकी पढ़ाई वगैरह भी करवानी है और उनको सिखाना भी है थोड़ा बहुत। अभी तो छोटे ही हैं वैसे, अनिका तो बिल्कुल ही छोटी है, उसको तो वैसे ही है, थोड़ा बहुत वैसे पढ़ लेती है, पोएम वगैरह अच्छे से सुना देती है, और करण भी भाई PP2 में है, तो इस वजह से इतना वो नहीं करता, मतलब अभी तो बच्चा ही है, इतना बर्डन क्या डाले उन पर। तो इस वजह से बस ये है कि भाई हाँ अब स्कूल जाने लग गए हैं, नहीं तो कोरोना की वजह से इतनी दिक्कत हो गई थी बहुत ज़्यादा ही, स्कूल भी बंद हो गया था बच्चों के, और घर पे तो रह रह के ऐसे बोर हो गए थे बहुत ज़्यादा ही, और अब सारा दिन फ़ोन में बड़े रहते हैं और कुछ नहीं, तो फ़ोन की भी लत लग गई है दोनों को ही, और रनिका तो बहुत ज़्यादा देखती है, बहुत दिक्कत होती है ऐसे,
वो तो फोन का मेरे फोन का तो बिल्कुल ही नहीं पैंडा छोड़ती है। और करण तो फिर भी पढ़ लेता है, वो तो टीवी वगैरह देख लेता है, बट अनिका नहीं मानती बिल्कुल भी। अब मैं बना रही हूँ नमकीन चावल, तो मैंने तड़का तो मैंने स्टार्ट कर दिया था और मैं लाइव चली गई थी, तो इस वजह से अरे ये यहाँ पे मटर और ये आलू डाल के मैं बनाऊंगी नमकीन चावल। और चावल मैंने ये यहाँ भी धो रखे हैं, तो ये देखिए वही टमाटर प्याज और डाल के मतलब वही सब जब तक छोड़ देते हैं तो ऐसे ही लगाया मैंने तड़का। तो बस है, आज है ना आप प्रॉपर से दिखा नहीं पाई मैं नमकीन चावल ठीक कैसे बनाती हूँ, पर हाँ बनेंगे टेस्टी इतना मुझे पता है। तो लाइव चली गई थी, लाइव के चक्कर में फिर मैं अपनी रेसिपी डाउनलोड करना भूल गई तो ये देखो, तो मैंने डाल दिए हैं अच्छे से सारी सब्जी है, तड़का भी अच्छे से लग चुका है और अब डाल दूंगी चावल इसमें। और पानी है ना चावल के अकॉर्डिंग ही डालते हैं, जैसे मैंने डेढ़ कटोरी लिया है ना, तो डेढ़ कटोरी चावल लिए हैं तो डेढ़ का फिर मैं दो कटोरी उसमें पानी डाल दूंगी, मतलब थोड़ा बहुत ही फालतू डालती हूँ क्योंकि ये बासमती चावल है, तो इस वजह से तो बासमती चावल में फिर इतना पानी नहीं डलता है तो कम ही डालते हैं। तो ये सब और साथ साथ में काम हो ही जाते हैं, इतने सारे काम हो जाते हैं बस पूछो मत, तो इस वजह से बिजी रहना पड़ता है, बिजी शेड्यूल बहुत हो गया अब। पहले तो मैं बोर हो जाती थी और तब से मैंने यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट किया है ना, तब से तो बस बिजी रहती हूँ और कुछ नहीं, बस टाइम यही है कि भाई हाँ निकाल लेते हैं। तो मैंने चावल डाल दिए हैं इसमें, तो ये देखिए, तो चावल ये थोड़ी ही देर में इसमें रखूंगी फिर मैं डाल दूंगी इसमें पानी, तो तीन चार सीटी लगाऊंगी इसमें, तीन चार सीटी लगाने के बाद अच्छे से हो जाएंगे ये। तो ये देखिए पानी डाल दूंगी मैं, गिलास के हिसाब से डाल देती हूँ। तो ये मैंने डेढ़ गिलास इसमें पानी डाल दिया है, अब मैं इसमें चार पांच सीटी लगा दूंगी क्योंकि इसमें जल्दी जल्दी आती है, तो इस वजह से तो हो जाएगा। ये कुकर है ना, ये नॉन स्टिक कुकर है, तो इस वजह से तो अब फटाफट बन जाएंगे चावल। सच में बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है आज, तो लेट हो गई मैं खाना बनाने में बहुत ज्यादा ही, फटाफट बना के और खाएंगे चावल, आप लोगों को भी दिखाऊंगी मैं कि कैसे बने हैं। ठीक है, बने रहना आप मेरे साथ भी। ये बर्तन थे यहाँ पे धो के रखे हुए थे सिंक में, तो इनको मैं लगा दूंगी अब यहाँ पे रैक में, फिर और बर्तन हो जाएंगे तो फिर वो साफ करने हैं, इस वजह से बर्तन वगैरह सारे ऐसे ही गिरते रहते हैं, क्या करें। अच्छे से पानी छूट गया है तो इनको मैं लगा दूंगी रैक में, तो ऐसे ही है सारा दिन काम 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 काम, खत्म ही नहीं होता काम। आपके साथ भी ऐसा ही होता है क्या, बताना भी सभी, हर एक लेडीज के साथ ही ऐसा होता है, लेडीज के साथ तो काम बंधे रहते हैं, कभी खत्म ही नहीं होते, कभी खत्म होने का नाम ही ले लेते हैं, तो ऐसे ही चलता रहेगा। आज तो नीरज जी भी कहेंगे पता नहीं कहाँ चली गई, इतनी लेट खाना भूखा मार दिया मेरे को भी, पर अब बस बन जाएगा पांच मिनट में फटाफट, फिर उसके बाद डालेंगे खाएंगे। तो ये देखो भाई एकदम टेस्टी टेस्टी चावल, बिल्कुल ही देखो मटर वाले एकदम खिले खिले बने हैं, आ जाओ भाई, सब सबके मुंह में पानी आ गया होगा है ना देख के। तो मैं आप सबको दिखा रही थी और अभी डाल लेती हूँ मैं, सर्व कर लेती हूँ, खाते हैं चावल। तो ये देखिए मैंने ना प्याज लिया है, ये प्याज काटा है मैंने इसमें, तो अच्छे अच्छे बने हैं दिखने में, तो बड़ी टेस्टी लग रहे हैं, अब देखो खाने में कैसे रहेंगे, तो खाने में भी टेस्टी रहेंगे ऐसी बात नहीं है।
तो इनके पापा की भी थाली लगा लेती हूँ मैं, और बच्चे आएंगे अभी, उनको मैं लेके आऊंगी थोड़ी देर में, तो उनको फिर आके दे दूंगी। वैसे भी वो ठंडे ही खाएंगे, तो गरम गरम तो वैसे भी नहीं खाएंगे बच्चों से, तो इस वजह से। तो चलो भाई दही ले लेंगे और सीत ले लेंगे। सीत दही और सीत दोनों लेती हूँ मैं, तो अच्छा लगता है खाने में, तो इसलिए भी सारे खा लो खाना। नमकीन चावल गरम गरम, थोड़ा सा घी डालूंगी, तो बस अपना फिर खाएंगे मजे से, ठीक है। तो ये देखिए बने हैं ना एकदम से खिले खिले टेस्टी टेस्टी चावल, और साथ में मैंने प्याज लिया है ये, तो प्याज के साथ भी अच्छे लगते हैं, बहुत ही यमी यमी। तो चलो हम खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो ये देखो भाई नमकीन चावल प्याज डाल के और साथ में सीत, मजा आ गया। आजो खा लो तुम भी लस्सी, ठंड में ठंड में लस्सी पियो, मस्त मस्त। यो बिटिया है साग, देख लो मेथी ली है और बथुआ लिया है यो, और पालक लिया है, ये पालक है, और ये यहाँ पे ये धनिया है। तो आज तो बनावेंगे बाजरे की खिचड़ी, फिर यो सुबह के टाइम बनावेंगे साग, हरा साग होता है जो, और बाजरे की रोटी बनावेंगे साथ में, या फिर उसकी बेसन की, तो ठीक है। तो अच्छा लगता है वैसे हरा साग भी, और चूल्हे पे बनावेंगे कल, तो बने रहना आप मेरे साथ।